को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। आपण दक्षता घेतोय की कोविडच्या वेळेस बाबत कुठलीही दिरंगाई होणार नाही आणि वेळोवेळी त्याची विल्हेवाट लावली जाईल। I went for a walk at around 4:35 and I happened to see a whole bag full of used PPE kits. There were masks, there were gloves, all of those things were lying around in the whole stretch that we walk on the Airoli bridge. तब मुझे फेसबुक पर राजेश मडवी ने कॉन्टैक्ट किया आस्किंग मी फॉर द एग्जैक्ट प्लेस वेयर इट इज़ कि आधे घंटे बाद ही मुझे इमेजेस आ गए, वीडियोस आ गए अबाउट द होल प्लेस। इट वाज ऑल क्लीन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी नियम के तहत जैविक कचरा खुले में डालना प्रतिबंधित है, मगर नवी मुंबई में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी हां, यह है ऐरोली स्थित ब्रिज जो एमएसआरडीसी के न्याय भूत्व में आता है। इस ब्रिज पर जैविक कचरा फेंकने की घटना सामने आई है। बता दें कि इससे पहले जब नवी मुंबई में जैविक कचरा फेंकने की घटना सामने आई थी, तब आयुक्त अभिजीत बांगर ने ये कहा था कि कोविड का जैविक कचरा उठाने के लिए जो एजेंसी नियुक्त की गई है, उनके द्वारा अपना काम सुनियोजित तौर पर शुरू है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड वेस्ट को लेकर उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। कोविडचा कचरा जो आहे, कोविड वेस्ट जो आहे, जैविक कचऱ्याचा एक सध्या भाग आहे कोविड वेस्ट, आणि तो पण मुद्दा फार मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला जातोय। कोविड वेस्टची जी आहे ती पण एजन्सी आपण अपॉइंट केलेली आहे आणि आपले प्रत्येक जे कोविडचे सेंटर आहेत, ते गव्हर्नमेंटचे असो किंवा प्रायव्हेटचे असो, आपण दक्षता घेतोय की कोविडच्या वेस्टबाबत कुठलीही दिरंगाई होणार नाही आणि वेळोवेळी त्याची विल्हेवाट लावली जाईल। नाही, त्याला वर्क ऑर्डर मिळालेली आहे आणि त्याच्याकडनं कामकाज पण सुरू आहे। पर्टिक्युलरली कोविड वेस्टच्या बाबतीत तर काहीच अडचण नाही। जर जैविक कचरा काही प्रायव्हेट हॉस्पिटलकडनं विल्हेवाट लावली जात नसेल नॉन कोविड बाबत, तर ती बाब गंभीरतेने पाहिली जाईल आणि त्या त्या हॉस्पिटलवरती आपण आवश्यक ती कारवाई करू। मगर आयुक्त के बातों की पोल तब खुलती नजर आई जब ऐरोली की निवासी अथीरा राजन ने इस्तेमाल किए गए पीपीई किट्स एवं मास्क फेंकी हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने एनएमटीवी को भी टैग किया। एनएमटीवी द्वारा जब ये तस्वीरें ऐरोली के पूर्व विधायक संदीप नाइक को भेजी गई, तब उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ता राजेश मडवी एवं सुदर्शन जिरगे को यह जैविक कचरा हटाने के संदर्भ में कहा, जिसके बाद ब्रिज पर पड़ा यह जैविक कचरा हटाया गया। इस बात को लेकर अथीरा ने पूर्व विधायक संदीप नाइक के साथ ही उनके कार्यकर्ता एवं एनएमटीवी का शुक्रिया अदा किया। हेलो, आई एम अथीरा राजन। आई एम हियर टू स्पीक अबाउट द होल पोस्ट दैट आई ट्वीटेड टुडे इन द मॉर्निंग। सो यस्टरडे आई वेंट फॉर अ वॉक एट अराउंड 4:35 एंड आई हैपेंड टू सी अ होल बैग फुल ऑफ used PPE kits, there were masks, there were gloves, all of those things were lying around in the whole stretch that we walk on the Airoli bridge. And I got scared. I actually clicked the picture at first and मैंने आज सुबह वो tweet किया and tweet करने के almost एक घंटे के अंदर ही मुझे नवी मुंबई पुलिस पेज का मुझे reply आया saying that the team is looking into it and I had tagged several others. बट या एंड यही पूरे स्पैन ऑफ टाइम में ये सारी पोस्ट काफ़ी शेयर हो चुकी थी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह पर। तब मुझे फेसबुक पर राजेश मडवी ने कॉन्टैक्ट किया आस्किंग मी फॉर द एग्जैक्ट प्लेस वेयर इट इज़ एंड आई टोल्ड हिम एंड इवेंचुअली उसके आधे घंटे बाद ही मुझे इमेजेस आ गए, वीडियोस आ गए अबाउट द होल प्लेस। इट वॉज ऑल क्लीन्ड एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू श्री गणेश नाइक, टू श्री संदीप नाइक एंड टू द टू NMTV एज वेल, बिकॉज इवन दे हैड कॉल्ड मी इन बिटवीन एंड चेकड इन टू दिस होल सिचुएशन एंड ऑल्सो श्री राजेश मडवी फॉर विलिंगली लुकिंग इन टू इट एंड हेल्पिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच। भाजपा कार्यकर्ता सुदर्शन जिरगे ने कहा कि उन्हें संदीप नाइक की ओर से संदेश आया कि ऐरोली ब्रिज पर PPE किट, मास्क एवं हैंड ग्लोव्स पड़े हुए हैं।
तब उन्होंने अपने सहयोगी राजेश मड़वी के साथ पहुंचकर जैविक कचरा एक बैग में भरकर ऐरोली स्थित कोविड केयर सेंटर में उसका विघटन कराया। नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबईतील लोकनेते आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब व प्रथम आमदार संदीपजी नाईक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ऐरोली या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे काम करत आहोत आणि आज आम्हाला असा निरोप आला नाईक साहेबांकडून, त्यांच्याकडे कोणी कंप्लेंट केली होती की ऐरोली ब्रिजवरती वॉकिंग ट्रॅकवरती पीपी किट मास्क आणि हँडग्लोव्ज कोणीतरी फेकून दिलेले आहेत। हा असा निरोप आल्यानंतर मी व माझे सहकारी राजेश मडवी आम्ही दोघं तात्काळ या ठिकाणी पोचून डिस्पोजेबल बॅगमध्ये ते व्यवस्थितरित्या आम्ही पीपी किट मास्क हँडग्लोव्ज जे होतं ते सर्व डिस्पोजेबल बॅगमध्ये भरले। त्याच्यानंतर ऐरोलीतील कोविड सेंटर जे आहे तिथं जे काही पीपी किट डिस्पोजेबल केले जातात त्या ठिकाणी आम्ही ते नेऊन डिस्पोजेबल केलेले आहेत। वैसे तो ये ब्रिज MSRDC के अंतर्गत आता है मगर कोविड का समय होने के चलते पालिका ने अधिकार क्षेत्र की ना सोचते हुए इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज़।